देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मदीने के ख्वाब के लिए एक सौदा किया है नींद से, आका मैं आ रहा हूँ तेरे चाहत में चलकर हिंद से। ये कुछ लाइनें हैं इस समय देश के एक ऐसे युवा पर लागू होता है जो केरला से 8,640 किलोमीटर की दूरी तय कर मक्का के लिए पैदल ही निकल लिया। अपने हुजूर के लिए इस कदर मोहब्बत दिल में कि 8,640 किलोमीटर माने उनके लिए कदमों के धूल बराबर है। इस जज्बे को देश सलाम करता है। ये पहली बार नहीं है विश्व में कि कोई इंसान पैदल हज के लिए निकला हो। ज़्यादा पुराना बात नहीं, कुछ दिन पहले ही, मैं कुछ दिन कह रहा हूँ, इसी जुलाई महीने की बात कर रहा हूँ। डीएनए हिंदी के आपके स्क्रीन पे जो डीएनए हिंदी का एक आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, इसके रिपोर्ट के हिसाब से अदम नाम के इस इंसान ने 1 अगस्त 2021 को इंग्लैंड से अपनी यात्रा शुरू की। इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन से ये शुरुआत हुई और नीदरलैंड, जर्मनी, हंगरी, सर्बिया, बल्गारिया, तुर्की, लेबनान और जार्डन होता हुआ ये व्यक्ति सऊदी अरब पहुंचा। 6,500 किलोमीटर की ये यात्रा 10 महीने 25 दिन में इस इंसान ने पूरी की। रोज लगभग 17 किलोमीटर के सफर तय करने के बाद ये इंसान ने अपनी हिम्मत, अपने जज्बे को बनाए रखा और अपना हज मुकम्मल किया। हमारे भारत के लिए भी अब ये गर्व का विषय है कि हमारे ही भारत के केरला से शिहाब भाई ये निकल चुके हैं। लगातार 50-55 दिन का इनका यात्रा हो चुकी है और इस यात्रा के दौरान इस समय वो गुजरात पहुंचे हैं और हम सभी लोग दिल से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने इस उद्देश्य में, इस मकसद में सफल हों, सही सलामत वो हज मक्का पहुंचे और अपना जो वहां पे उन्होंने संकल्प लिया है उसे पूरा करें। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अगर हिम्मत नहीं दे सकते तो कृपया कम से कम उन्हें हतोत्साहित मत करें, उन्हें रुकावट ना पैदा करें। आज जिस तरह से लगातार जनाधार शिहाब भाई को मिल रहा है वो देखने लायक है। देश का युवा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, इस व्यक्ति के लिए, इस पैदल हाजी के लिए सड़कों पर गुलाबों के फूल बिछाए गए। कुछ तो बात होगी इस लड़के के जज्बे में, कुछ तो सोचा होगा इस युवा ने जो इतना बड़ा कदम आप ये उठाया है। मैं तमाम भाइयों से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से भी दुआओं में शिहाब भाई